नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं पूर्व परीक्षा पेपर विषय हिंदी कृति पत्रिका, कुल अंक 80, समय 3 घंटे। यहाँ पर हम इसके प्रश्न तथा उत्तर दोनों ही देखेंगे। इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विभाग क्रमांक 1 गद्य विभाग, कुल अंक 20। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित गठित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कुल 8 गुण। इसमें सबसे पहले हमें यह जो गद्यांश दिया गया है वह हम अच्छे से पढ़ लेंगे। हमने अपने जीवन में बाबूजी की रहते अभाव नहीं देखा। उनके रहने के बाद जो कुछ मुझ पर भी था वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे मेरे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उसके पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वह उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास यह छोटी गाड़ी नहीं बल्कि बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री होते हुए वह जो गाड़ी थी वह इम्पाला शेवरलेट, उसे देख देख कर बड़ा जी करता था कि मौका मिले तो उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिला। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेवर की रेजिडेंस की तरफ आ जाए। इस पर पूछे गए प्रश्न आकृति क्रमांक 1 पूर्ण कीजिए। पहला, 1, पिताजी के न रहते लेखक पर वह बिता कि लेखक को बैंक में नौकरी करनी पड़ी। इसके पश्चात जो लेखक के जन्म के समय उनके पिता यह थे, उत्तर गृह मंत्री या पुलिस मंत्री। 3, लेखक ने सदा यह कल्पना किया करते थे, उत्तर कि उनके पास बड़ी आलीशान गाड़ी हो। 4, लेखक के पिता प्रधानमंत्री होते हुए उनके पास यह गाड़ी थी इम्पाला शेवरलेट। 2, उत्तर लिखिए। इसमें से पहला, लेखक हमेशा कल्पना किया करते थे कि उनके पास बड़ी एवं आलीशान गाड़ी हो। 2, लेखक को इस बात पर गर्व था कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। 2, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला, लेखक के पिता पहले इस राज्य के गृहमंत्री थे, उत्तर उत्तर प्रदेश। इसके पश्चात 2, पहले गृहमंत्री को यह कहा जाता था, उत्तर पुलिस मंत्री। 3, इसमें से पहला, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए, कुल 1 गुण। पहला, पुलिस, उत्तर पुल्लिंग तथा पानी, उत्तर पुल्लिंग। 2, परिच्छेद में आए अंग्रेजी शब्द खोज कर लिखिए, पहला ड्राइवर तथा दूसरा ऑर्डर। 4, बच्चों की कल्पनाएं और माता पिता का डर, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखे। दोस्तों, उत्तर, हर एक माता पिता का यह सपना होता है कि उनके बच्चे उनसे कुछ बड़ा करे या उनकी जिंदगी आसानी से कट जाए। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उस प्रकार उनके खुद की कल्पनाएं वह बनाते हैं। वह सोचते हैं कि माता पिता जो विचार करते हैं वह अब बूढ़े हो गए, उन्हें नए तरीके से सोचना चाहिए और वह नई कल्पनाएं उस हिसाब से बनाते हैं। वह अपना जीवन स्वयं के हिसाब से जीना चाहते हैं, पर इससे माता पिता को डर लगता है कि यह अगर खुद के विचारों से जिएंगे तो यह इस दुनिया के चकाचौंध में कहाँ गुम हो जाएंगे, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वह उनके स्वयं से अनुभव से उनके बच्चों को सिखाते हैं। चात आ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कुल 8 गुण। जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन की सोच से मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए।
वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्चे की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिला नहीं दिया जाएगा। दाखिल हुए कोर्ट भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। इस पर पूछे गए प्रश्न, पहला, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, आश्रम के नियम। उत्तर, 1, जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आएगी। वह यदि गरीब हो तो उसका सिफारिश करने वाला उसका खर्च की व्यवस्था करेगा। 3, पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिला नहीं मिलेगा। और 4, जो भी आश्रम छोड़कर जाना चाहता है वह छोड़कर जा सकता है। इसके पश्चात 2, संजाल पूर्ण कीजिए, आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए आचार संहिता। पहला, जो महिला आने वाली है वह अपने खाने पीने तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था स्वयं कर कर आए। अगर किसी को आश्रम छोड़ना है तो वह छोड़ सकता है। अगर आश्रम को ठीक ना लगे तो वह किसी को भी नोटिस देकर वहाँ से हटा सकता है और वहाँ आने के लिए पूरी पहचान की आवश्यकता है। 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, अखबार, उत्तर, वृत्तपत्र। 2, व्यवस्था, उत्तर, तैयारी। 3, बेखटक, उत्तर, निडर। और 4, बोझ, उत्तर, कर्ज। 4, आश्रमों की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखें। दोस्तों, यह स्वयं मत का प्रश्न है, यानी कि हमने जो ऊपर उतारा पड़ा उसके आधार से हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तथा इसका उत्तर हम देखते हैं। आश्रम यह एक ऐसा घर होता है कि जहाँ पर जिन लोगों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है उन्हें वहाँ पर व्यवस्था की जाती है। आजकल तो बहुत ही वृद्धाश्रम तैयार किए गए जहाँ पर माता पिता को लोग छोड़ देते हैं। कई कई पर अनाथ आश्रम होते हैं जहाँ पर लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से आजकल वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की संख्या बहुत बढ़ रही है। इसके पश्चात ई निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कुतिया कीजिए, कुल 4 मार्क के लिए पूछा गया है। दोस्तों, यह अपठित गद्य, अपठित गद्य यानी यह जो हमें गद्यांश दिया गया, यानी जो हमें उत्तरा दिया गया, यह हमारे पुस्तक में ना होकर यह पुस्तक के बाहर का यहाँ पे हमें गद्यांश दिया गया है। संस्कृति ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी रचना 10, 20, 100, 50 वर्षों में की जा सकती हो। अनेक शताब्दियों से एक समाज की ओर समाज के लोगों की तरह खाते पीते रहते सहते पढ़ते लिखते सोचने समझने और राजकाज चलाने अथवा धर्म कर्म करते हैं। उन सभी कार्यों से उनकी संस्कृति उत्पन्न होती है। हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमारी संस्कृति की झलक होती है। यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने पहनने ओढ़ने घूमने फिरने रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। हमारा कोई भी काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता। पूछे गए प्रश्न, 1, आकृति पूर्ण कीजिए, संस्कृति की पहचान करवाने वाले घटक। उत्तर, उठना बैठना पहनना ओढ़ना घूमना फिरना रोना हंसना, यह क्या है? तो हमारी संस्कृति की पहचान करवाने वाले घटक है। इसके पश्चात 2, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता प्रभाव, इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। विभाग क्रमांक 2, पद्य विभाग, कुल अंक 12। प्रश्न क्रमांक 2, अ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कुतिया कीजिए। दोस्तों, यह हमें जो पद्यांश दिया गया है यह हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इसके पश्चात इस पर पूछे गए प्रश्न तथा हम उनके उत्तर देखेंगे। वीडियो अच्छे से पॉज कर लेना है, जो पद्यांश दिया गया है वह अच्छे से पढ़ लेना है। 1, तालिका पूर्ण कीजिए, इन्हें यह कहा है। पहला, डैश, ईश्वर को प्राप्त कर स्थिर हुआ जीव तथा 2, सज्जनों के सद्गुण। उत्तर, पहला, संत,
ईश्वर को प्राप्त कर हुआ स्थिर जीव संत तथा दो सज्जनों के सद्गुण समिट समेट जल भरई तलाव। दो आकृति पूर्ण कीजिए पद्देश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। उत्तर एक सरिता तथा दो तालाब। दो निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्दों खोजकर लिखिए। बादल एक मेघ मटमैला। उत्तर घमंड विद्वान। उत्तर सज्जन तथा भयानक। उत्तर खल। इसके पश्चात तीन उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम चार पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर कभी आप हमें बताते हैं कि जैसे बादल में नब जोर जोर से गरज रहे हैं और जिस प्रकार से वह गरज रहे हैं वह सुनकर मेरा मन डर रहा है। वह गरज रहे तथा दामिनी दमक रही है और यह दामिनी जिस प्रकार से दमक रही है उसे देखकर मेरा जी है वह स्थिर नहीं रह पाया है। इसके पश्चात आ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार दी गई कृतियां कीजिए। मेरे घर पर छापा पड़ा छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मेरे अपने काव्य में बिखरे हैं उन्हें कैसे दे दूँ। वे झुसलाकर बोले तुम समझे नहीं हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है तुम्हें मिले मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रात होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। परीक्षा से एक महीने पहले तैयार करूँगा। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। इसके पश्चात पूछे गए प्रश्न एक आकृति पूर्ण कीजिए सोना अर्थ संपत्ति। छापे में मांगी गई वस्तु को कवि ने किस रूप में लिया है। सोना अर्थ चांदी और नोट। तो उत्तर सोना। सोना तो इसका अर्थ लिया गया है नींद तथा दो अर्थ इसका अर्थ लिया गया है कविताओं में से कविताओं का अर्थ तथा तीन चांदी बालों में आ रही सफेदी और चार नोट परीक्षा के लिए तैयार करने वाले नोट। इस प्रकार से कवि ने इन सब का अर्थ लिया है। इसके पश्चात दो कविताओं के आधार पर जोड़ियां मिलाई है अ और तथा ब अर्थ स्वर्ण चांदी और मुद्रा। ब बालों में चेहरे पर नई कविताओं में और काव्यकृतियों में। उत्तर अर्थ इसका आ जाएगा ई नई कविताओं में स्वर्ण काव्य कृतियों में चांदी बालों में और मुद्रा चेहरे पर। तीन उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम छह पंक्तियों का अर्थ 25 से 30 शब्द में लिखिए। उत्तर जब लेखक के घर में स्वर्ण नहीं मिला तो वह लुटेरे पूछने लगे कि आपके घर में चांदी कहाँ पर है। तो लेखक उन्हें कहने लगे कि चांदी मेरे बालों में आ रही है यानी धीरे धीरे मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इस प्रकार लेखक ने बालों को चांदी कहा। इसके पश्चात वह बोले कि चलो ठीक है चांदी नहीं तो तुम्हारा नोट कहाँ पर है। तो लेखक उन्हें कहते हैं कि मैं परीक्षा से एक महीना पूर्व नोट तैयार करूँगा। इसके बाद वो गरज कर और बहुत ज़ोर से बोलते हैं कि आपकी मुद्रा कहाँ है यानी उनका मतलब होता है मुद्रा यानी पैसे कहाँ है। तो वह बोलते हैं कि मेरी मुद्रा मेरे मुख पर आप देख सकते हो। इस प्रकार से वह उन्हें उत्तर देते हैं। के पश्चात विवाह क्रमांक तीन पूरक पठन कुल अंक आठ। प्रश्न क्रमांक तीन अ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए कुल चार अंक। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहे थे और रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिला था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन
पहाड़ों पर बिताऊं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल पर यात्रा करने निकल पड़े। 2-3 दिनों में मन ही मन सुकून सा महसूस होने लगा। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पेड़ पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, पहाड़ों की निवरता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन में बदलाव के लिए पर्याप्त थे। इस पर पूछे गए प्रश्न संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं। उत्तर, 1 भीषण, 2 अंगारों से तप रही थी, लीजिए, तथा 4 घुटन भरे। इसके पश्चात 2 छोटे दुकानदारों और बड़े दुकानदारों से चीज़ें खरीदते समय हमारा व्यवहार, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में विचार लिखें। उत्तर, यह हमारा स्वमत है, पर इस पर ऐसा उत्तर आप लिख सकते हैं। अगर यदि हम छोटे दुकानदार से चीज़ें खरीदते हैं तथा बड़े दुकानदार से चीज़ें खरीदते हैं, अगर हम छोटे दुकानदार से चीज़ें खरीदते हैं तो हम वहाँ पर भाव, नफा, तोटा देखते हैं उस, और वह छोटा दुकानदार जो हमें कीमत बताता है उससे हम कम ही कीमत में उसके पास से चीज़ें खरीदते हैं, तथा अगर हम कोई बड़ी दुकान पर जाते हैं तो इस प्रकार से जो बड़ा दुकानदार हमें उस कीमत की जो वस्तु बताता है और हम उसी कीमत से उसका वस्तु खरीदते हैं। इसके पश्चात निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, क्या कहिए अजी, क्या कहिए हाँ, क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे या ध्रुव से बच्चे, यह मिट्टी हुई प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के से सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर जहाँ भारत दतुली गिनाते, जयमल पत्ता अपने आगे थे न किसी को कुछ गिनाते। 1 तालिका पूर्ण की